हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 5 मार्च और 5 मार्च से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जो भी हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हाल ही में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण जो है कितने वर्षों में आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 45 वर्षों बाद, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण जो है 45 वर्षों के बाद वो आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में विश्व उत्पादकता कांग्रेस यानी वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का 19वां संस्करण 45 वर्षों बाद बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, और यह आयोजन 6 मई से 8 मई तक आयोजित होगा। और विश्व उत्पादकता कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भविष्य की उत्पादकता ग्रोथ को आकार और उत्पादकता विकास के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। और 19वें संस्करण का मुख्य जो विषय है वो है इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। और हाँ, कल या परसों मैंने आपको यही वाला सेम क्वेश्चन कराया था, बट उसमें था कि जो विश्व उत्पादकता कांग्रेस का जो 19वां संस्करण है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो वहाँ मैंने जो है मलेशिया बोल दिया था, बट वहाँ पर जो है भारत होगा राइट आंसर। तो वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत के जो है बेंगलुरु में होगा ये जो विश्व उत्पादकता कांग्रेस है, इसका आयोजन जो कि 45 वर्षों के बाद हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, आपको इसका जो है विषय भी याद रखना है, जो है इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व हियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि विश्व हियरिंग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। 3 मार्च को विश्व हियरिंग दिवस मनाया जाता है, और यह बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का, कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, यानी जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, और ये आपको याद रखना है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य NSG जवानों को उचित सुविधा मुहैया कराना है। और यहाँ बात की गई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में भी हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सरकार ने दरवाजों तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप को लॉन्च किया है? तो सबसे पहले तो आपको इस ऐप का नाम जो है याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका वो जो है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दरवाजों तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप जो है लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि नई दिल्ली ने हाल ही में फ्यूल हमसफर ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में नई दिल्ली में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने
अस्पतालों, होटलों, मॉल, उद्योग और सोसाइटियों के दरवाजों तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप की शुरुआत की है और इस ऐप का प्रयोग NCR के शहरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मानेसर, हापुड़, कुंडली और बहादुरगढ़ आदि शहरों में किया जाएगा। और वहीं बात करें हम नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली की के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और इस महोत्सव का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। और यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रख दिया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाल ही में जम्मू और कश्मीर में स्थित ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है और यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जम्मू नगर निगम द्वारा लिया गया है। और जम्मू कश्मीर के, हाँ, और यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाइना, यानी चीन, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में चीन देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इस महीने मार्च 2020 की होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता चीन करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने पर चर्चा करना है। और वहीं बात करें चीन की हम, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है सी जिनपिंग और मुद्रा है रैना मिनमिन। और हाँ, ये जो चीन की मुद्रा है पहले युआन थी जो कि वो चेंज हो गई है, अब जो वर्तमान में जो मुद्रा है चीन की वो है रैना मिनमिन और जो युआन है वो चीन की मुद्रा की इकाई है। तो ये आपको याद रखना है। और कि एक मतलब एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, वो बोल रहे थे कमेंट में कि भाई ये मतलब गलत बता रहे हो आप, इसकी मुद्रा जो है युआन है, तो वो युआन नहीं है, जो वर्तमान में मुद्रा है वो है रैना मिनमिन और जो युआन है वो इस मुद्रा की इकाई है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है? तो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, यानी जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया लागू किया है। और बात करें यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत
हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए किस धरोहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन दिए हैं? तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों को, यानी धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर को और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले को, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में भारत सरकार ने भारत की दो धरोहर धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले का नाम विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत किस स्थान पर की है? राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये क्वेश्चन में भी रिपीट हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बट आपको जो इसका राइट आंसर है वो बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऋषिकेश, यानी जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत करी है वो करी है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और यह शुभारंभ यानी यह जो महोत्सव है वो सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं और इस योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 26, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। चीन से हुए कोरोना वायरस का असर अब भारत के दवा उद्योग में दिखना शुरू हो गया है और सरकार ने 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासीटामोल, विटामिन B1 और B12 सहित कुछ दवाओं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और अब तक इन दवा सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर किसी तरह का कोई बैन नहीं था। वहीं सरकार की ओर से की गई यह घोषणा कोरोना वायरस की दुनिया के कई देशों में फैलने के बाद उपजी चिंता को देखते हुए काफ़ी अहम है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यानी GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? तो आपको सीधे सीधे ये बताना है कि भारत यानी जो काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची के मामले में कितने स्थान पर है? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है। अमेरिकी शोध संस्थान यानी ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है काले धन को सफ़ेद करने के मामले में 3रे स्थान पर है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। GIF की रिपोर्ट ने कहा गया है कि इस मामले में चीन $457.7 अरब की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मेक्सिको $85.3 अरब के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत की बात करें तो भारत $83.5 अरब के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं रूस $74.8 अरब के साथ चौथे स्थान पर है और पोलैंड $66.3 अरब के साथ पांचवें स्थान पर है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके में कमाए गए धन के रूप में दिखाने से
होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट माह फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 यूनिट प्रति माह, यानी जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने 3 मार्च 2020 को विधानसभा में 86,000 करोड़ रुपए अपना पहला बजट पेश किया है और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया है। सरकार ने झारखंड में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने का भी घोषणा की है और वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि राज्य में 92% नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा जो है कराया जाएगा और 300 यूनिट बिजली उपयोग करने वाले की 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। और यहां पर बात की गई है झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना कि बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक क्रिकेट टीम, यानी जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। बंगाल ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है और बंगाल ने सेमीफाइनल मैच में कर्नाटक को 174 रन के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की और वहीं बंगाल की टीम 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है और बंगाल की टीम साल 2007 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेलेगी और रणजी ट्रॉफी 2020 का अंतिम फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। और यहाँ बात की गई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5100 करोड़, यानी जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, तो आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट के पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य का दूसरा बजट पेश किया है और मुख्यमंत्री ने 1,02,907 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों का खास ध्यान रखा गया है। बजट में कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है और मनरेगा के लिए 1,603 करोड़ का प्रावधान किया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोले जाएंगे। और वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। टोटल क्वेश्चन थे वो 15 थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं सभी क्वेश्चन का यहाँ पर। हाल ही में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा 45 वर्षों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व हियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सरकार ने दरवाजों तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए किस धरोहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए नामांकन दिए हैं? तो राइट आंसर होगा धौलावीरा, एक हड़प्पाकालीन शहर और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत किस स्थान पर की है? तो राइट आंसर होगा ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितनी तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? तो राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट महाबिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट माह की फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा 100 यूनिट प्रतिमाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है? तो राइट आंसर होगा 5100 करोड़। तो टोटल जो थे 15 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए एक क्वेश्चन है और उसका जो है राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से फैला है और अब तक कितने देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।